जबरदस्ती। अरे कंगना रावत, तुम तो चीज नहीं, आइटम हो आइटम। हाँ। क्यों, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी चीज तो मोदी ने देखी है, उन्हें जब ही तो आता है मोदी जी गया नहीं, सॉरी मैंने जी कह दिया। हाँ। हम सिर्फ पाले जी के आगे जी लगाते हैं, क्योंकि हम मोदी के आगे जी नहीं लगाते। प्रधानमंत्री हैं, जी क्यों नहीं, पद है नहीं, हम सिर्फ कुर्सी की इज्जत करते हैं। हाँ। हम मोदी जी की इज्जत नहीं करते। क्यों नहीं करती मोदी? हम क्यों नहीं करते कि उन्होंने बहन बेटियों का तमाशा बना रख दिया। हाँ। नेताओं की बेटियां हैं भाजपा के, सब हम मुसलमान भाइयों के घर में हैं, वो हमारे यहाँ के दामाद हैं, तो हम हाँ तो उनका बहुत पुराना नाता है, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने एक बार ये भी बोला है कि हिंदुओं मर्द बनो, तो उनको और उनकी मम्मी जी को दादा पता है कि मुसलमान मर्द है, इसलिए उनका हमसे बहुत पुराना नाता है। मैं गुलशन मुनीर करदमपुरी से। हाँ। वो मुसलमानों का बाकी बात है, जितने बड़े नेताओं की बेटियां हैं भाजपा के, सब हम मुसलमान भाइयों के घर में हैं, वो हमारे यहाँ के दामाद हैं, तो हम कहता है मोदी जी गया नहीं, सॉरी मैंने जी कह दिया। हाँ। हम सिर्फ पाले जी के आगे जी लगाते हैं, क्योंकि हम मोदी के आगे जी नहीं लगाते। तो प्रधानमंत्री हैं, जी क्यों नहीं, हमारी पद है नहीं, हम सिर्फ कुर्सी की इज्जत करते हैं। हाँ। हम मोदी जी की इज्जत नहीं करते। क्यों नहीं करती मोदी? हम यूँ नहीं करते कि उन्होंने बहन बेटियों का तमाशा बना रख दिया। अब पूछिए आप मुझसे कि मैंने उन्होंने बहन बेटियों का तमाशा कैसे बनाया। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे निकलते हैं, जैसे नाग पंचमी पे ना। हाँ। वो निकलते हैं नाग दूध। हाँ। पीने। हाँ। ऐसे ही इलेक्शन के टाइम पे निकलते हैं माताओं बहनों। हाँ। जब किसी 7 साल की बच्ची का रेप होता है तो मोदी कहाँ अपने घर में घुस जाता है, अमित शाह अपने घर में घुस जाता है। गृह मंत्री है ये, कुर्सी के लिए गिरे, हमारे देश के लिए गिरे। जब कहा जाता है जब पुजारी 7 साल की बेटी मंत्री सम्मानित पद पर, उसकी गरिमा नहीं, नहीं, हम गरिमा नहीं रखेंगे उसकी। हाँ। हमारी बहन बेटियों का रेप होता ना, उनसे पूछो कैसे होता है। हो जाते हैं महिलाओं के लिए, कैसी बात, कहाँ से भावुक होते हैं वो, अपने नेताओं को बेचकर रेप करवाते हैं, फिर कहते हैं भावुक हो रहे हैं, कहाँ से भावुक हो रहे हैं। संस्कारी लोग हैं भाजपा में? कोई संस्कारी नहीं है, गुंडे हैं। गुंडे कौन है? अमित शाह गुंडा, मनोज तिवारी गुंडा, कितने रेपिस इनके उसमें पड़े हुए बताइए। जहाँ भी रेप हुआ है, उन्नाव की लड़की का रेप हुआ, उसमें कौन निकला? इनके नेता निकले। और जगह इतने रेप होते हैं, पुजारी रेप कर लेते हैं, कहते हैं राम मंदिर पे बिल्डोजर चल जाएगा अगर जो कांग्रेस की सरकार आ गई। अबे मोदी और अमित शाह मिलके गंजा, और वो ये तीन बंदर है। हाँ। ये गांधी जी के तीन बंदर नहीं है, ये बुराई के तीन बंदर है। कौन तीन बंदर है? मोदी। हाँ। अमित शाह योगी। हाँ। ये बुराई के तीन बंदर है। अच्छा, अब बुराई कैसे? हाँ। महिलाओं के लिए बुराई सुनो, महिलाओं के लिए बुराई देखो, महिलाओं के लिए बुराई बोलो। अगर ये महिलाओं के इतने सम्मिलित होते, इन्होंने नौकरियां छीन ली महिलाओं से। कौन थी महिला? आत्मनिर्भर बना दिया बड़ा पाव। गल कहते नहीं, मोदी जी अगर जीत गए तो हम यहाँ ठेला लगा पाएंगे, वरना कोई नहीं लगा पाएगा ठेला। हाँ, तो वो मोदी जी के पास चली जाती होंगी, जैसे वो उनकी कंगना रावत है। हाँ, वो भी कहती हैं ये पब्लिक मुझे एक न्याय है, वोट नहीं देगी। हाँ। क्योंकि ये मुझे चीज समझती है। अरे कंगना रावत, तुम तो चीज नहीं, आइटम हो आइटम। हाँ। क्यों, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी चीज तो मोदी ने देखी है, उन्होंने जब तो इलेक्शन में खड़ा कर दिया। अच्छा। किसी गरीब भारत माता को क्यों नहीं खड़ा कर दिया? हाँ। किसी पत्थर उठाने वाली को क्यों नहीं खड़ा कर दिया? किसी ठेला लगाने वाली को इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ा कर दिया? राष्ट्रवादी महिला है कंगना रनावत। अरे वो राष्ट्रवादी नहीं है दिखी। हाँ। इसी नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी बेलदार औरत को क्यों नहीं खड़ा कर दिया? हाँ। हम तो भावुक जब होना, जब हर एक औरत के पास अपना मकान हो जाए। हाँ। क्या कारोबार हो जाए, दो टाइम की रोटी खा लो। उन्होंने ऐसा कर दिया औरत को कि 200-200 रुपए में, औरत 200-200 रुपए में अपनी इज्जत देने को तैयार है। मोदी जी लखपति दीदी बना किसे? कंगना रावत को बना रहे ना, नई योजना निकाल रहे लखपति दीदी। अरे उन्होंने तो 15 करोड़ देने का भी वादा करा था, साले ने 15 पैसे तो दिए नहीं है, और 15-15 आदमियों को बेच के इज्जत लुटवा देता है। ओयो खुलवा दिए, ओयो खुले आम अय्याशी, ओयो। हाँ, खुले आम अय्याशी करो। हमारी सरकार बन गई तो लखपति दीदी योजना के तहत। नहीं नहीं नहीं, अगर उनकी सरकार फिर से आ गई तो। क्यों खपा क्यों है मोदी जी से? हम इतने खपा क्यों है? हाँ। के देखो हमारे 6 बच्चे। हाँ, 6 बच्चे है ना, हम आराम से कमा रहे थे खा रहे थे। हाँ। आज उन बच्चों के हमारे घर में देने को किराया नहीं है। हाँ। नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, किसी ऑफिस में जाओ पहले फिगर देखते हैं लेडीज का कैसा है। 5 किलो अनाज तो मिल रहा होगा ना जो मोदी जी दिलवा। अरे 5 किलो अनाज हमने तो राशन कार्ड ही नहीं बनवाया, मोदी जी खा ले खैरात में हमारी। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे भाई 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे, भूखा नहीं सोने दे रहे। अरे उन्होंने तो 2.5 करोड़ लोगों को चाबी भी दे दी थी मकान की, मेरे पास तो नहीं है, आपके पास है चाबी? आप मुझे अपना मकान दे दो रहने को। कह रहे हम तो यूं ही जीत जाएंगे, महिलाएं जिताई देंगी हमें। अरे महिलाएं तो अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो जूता डाल दूं गले में। किसके? मोदी जी के गले में? मोदी जी के नहीं, सॉरी मुझसे जी बुलवा देती हो मोदी के गले में। हाँ
हम तो 5 रुपए का पार्ले की पैकेट की इज्जत करते हैं, उसके आगे भी हम पार्ले जी लगाते हैं। बनारस से नामांकन किया है, कह रहे मैं तो जीत ही जाऊंगा बनारस से, गंगा माने को। अरे वो तो झूठ बोलता है, वो तो ये भी कहता है कि मैंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। जरा बता दो अगर 25 आदमियों की चाय में कितना स्टीमेट डलता है, नहीं तो मुझसे पूछ लो। मैंने चाय बेची है भजनपुरे के मेन रोड पे ताज होटल के पास। नहीं करते थे चाय बेची है, कैटरिंग नहीं करते। अरे क्यों नहीं, जब जो इंसान काम करता है। आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आपको पता नहीं होगा आपने कितने मिनट का इंटरव्यू लिया, आपको इसमें कितनी चार्जिंग पुकी, आपको पता होगा ना। फिर तो मोदी को कैसे नहीं पता, जब मैंने एक बार पूछा हटो 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 उनके, उन्होंने कर दिया। क्यों, सारे चैनल तो बिके हुए मोदी के हैं, कहीं पे वो किसी को खड़ा होने देते हैं, इसमें किसी क्रांतिकारी को नहीं खड़ा होने देते। मोदी जी से पूछा क्या की चाहिए? हमने उनके अन भक्तों से पूछा था जो गोबर को पूछते ही, जो गोबर को पूछते ही गाय माता हक के जाती है वो पूछ लेते हैं और वो थाली में खा भी लेते हैं अपनी रख के, हमने उनसे पूछा था। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि मोदी उनके घर का दामाद हो। मोदी ने देखे ना, भीख मांगी है, चाय बेची और प्रधानमंत्री। हाँ तो मोदी ने भीख नहीं मांगी है, मोदी ने चोरी डाका डाला है। हाँ, हर एक बहन के घर का ना राशन चुरा के बेचा है। तो रहे कि जो विपक्ष पार्टियां अगर सत्ता में आ गई तो आपके जेबर और मंगलसूत्र उठा के मुसलमानों को दे देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा। झूठ बोल लिया है, ज्यादा बच्चे पैदा करते खुद तो सारा ना मर दे, एक बच्चा नहीं पैदा कर पाया है, एक बच्चा नहीं, देश का विकास क्या करेगा ये? देश का विकास करेगा ये जिसने एक बच्चा पैदा नहीं करा? देश हित के लिए घर परिवार छोड़ दिया मैंने। अरे नहीं नहीं, उन्होंने अपनी अय्याशी के लिए छोड़ा है, कुर्सी पे बैठने की एक चाल है उसकी, घर के लिए छोड़ा है, मुसलमानों को बदनाम करता है। ऐसी बात करें, देखिए ना अपनी माँ को भी तो जब नोटबंदी हुई थी। हाँ, तो उससे बड़ा आला नमक हराम कोई बेटा नहीं है जो अपनी माँ को छोड़कर चलेगा। सबसे बड़ा भगवान तो माँ है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, दो तक है, स्वर्ग है, सब चीज है। उससे बड़ा नमक हराम बेटा मैं नहीं समझती। मेरा भी बेटा है, कम से कम मुझे मजदूरी करके पैसे तो ला के दे देता है, और वो प्राइम मिनिस्टर हो गया अपनी माँ को छोड़े पड़ा है नालत। ऐसी माँ को जन्म देते उसका गला घोट देना चाहिए था। कह रहे थे कि लाइन में तो इसीलिए लगी थी। अरे कि सबको ये रहे कि सब एक नहीं, 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 वो नालायक बेटा है। हाँ। वो नालायक बेटा है, मेरे बेटों ने मुझे लाइन में नहीं लगवाया, खुद जाके लगे, वो नालायक बेटा है। जिस प्राइम मिनिस्टर की माँ और लाइन में लगी हुई है उससे बड़ा नालायक बेटा कोई नहीं है। गाली देने में मेरा परिवार भी नहीं छोड़ा, नैरेटिव सेट कर दिया गाली देने का। अरे तो हम क्या करें जब हमारे लिए वो काम ऐसे कर रहे हैं। तो मोदी कितने तो अच्छे काम कर रहे हैं। कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? बहन बेटियों की इज्जतें लुटवा रहे हैं, रेप करवा रहे हैं, लगे हुए देखा आपने कहीं किसी को वो करते हुए देखा कि हाँ यहाँ पे नौकरी मिल रही है महिलाओं के लिए? तो आत्मनिर्भर तो बना दिया ना सबको। कुछ नहीं बनाया उनने, बेकार बनाया, भिखारी बनाया उनने, और कुछ नहीं बनाया है। ठीक है।